And Anuradha is the counselor. Okay. So, as we are talking about violence here, I would like to bring in how um, your socialization makes your person, how it shapes you. Huh? So, this terminology that this is a good woman, this is a bad woman. So, we have been brought up in a certain way, way where being assertive is a problem. जहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि मुझे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है या मुझे अपनी पसंद की इंसान से शादी करनी है उसको एक प्रॉब्लम माना जाता है तो हम जब हम प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं मैंने ऑब्जर्व किया कि जब भी हम काउंसलिंग करते थे टू सम पॉइंट वी यूज टू आस्क द लेडी टू अंडरस्टैंड कि कोई बात नहीं एडजस्ट कर लो तो एक ऐसा केस आया था जिसमें आई फिल वेरी सॉरी कि हमने एक डोमेस्टिक वायलेंस विक्टम से अपोलोजाइज करने के लिए बोला उसके हस्बैंड से So that was the turning point for me, at least. So I trained my team to be a feminist counselor per se, and uh, so that Please is how. Please tell a little bit about what is feminist counseling. I also learned from her. What feminist, is feminist counseling? Yeah, I know what counseling so I is, cannot but cannot go, go technical about it. But just involving that gender roles are there. We have been taught uh, as a child. कि आप कुकिंग कुकिंग लड़कियों का काम है ड्राइविंग लड़कों का काम ah. है तो वो जो स्टियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग हमें बचपन से भरी जाती है दिमाग में वो एक लड़की की गलती नहीं थी और लड़के की भी नहीं थी इट्स हाउ द सिस्टमिक चेंज हैज़ टू बी इन हियर एंड द प्रॉब्लम इज पेट्रिया इन आर हाउसिस वेयर इट्स ओके फॉर अ मैन टू बी अब्यूजिव एंड फेमिनिन नेचर को जब हम प्रॉब्लमेटिक uh, मानते हैं कि लड़कियां रोती हैं तो वो वीक हैं या लड़के नहीं रोते तो वो स्ट्रांग है ये सारी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमें बचपन से सिखाई जाती है वो प्रॉब्लम है कि अगर आप गन से खेल रहे हो तो इट्स कूल एंड इट्स स्ट्रांग एंड इट शोज योर माच्रोइम एंड दैट्स दैट्स द प्रॉब्लम बिगिंस इन द हाउस होल्ड सो पहला हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारे घर में स्टार्ट होता है केसेज मेन क्यों आ रहे हैं क्योंकि उनकी जो फैमिली है ना फैमिली में ही ये सिखा दिया कि तुम लड़की हो तुम्हें सब सहना है अगर हस्बैंड ने एक चांटा मारा तो उसको लगता है कि मुझे तो इसी घर में रहना है तो मुझे चांटा खाना चाहिए ठीक है उसने चाटा खाया लेकिन वो अपने आत्मसम्मान को साइड कर देती है सिर्फ समाज को देखते हुए और उसको लगता है कि आदमी के सहारे ही उसकी जिंदगी चलेगी इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि जो फैमिली है फैमिली ही लड़कियों को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रही है कहीं ना कहीं उनको ये दिखा दिया जाता है कि आप लड़की हो आपकी अपनी लिमिट्स है उसे क्रॉस मत करो Good तो point. ये है मेन द मेन मैसेज हेयर इज आई थिंक डोमेस्टिक वायलेंस मोर एंड मोर वीमेन आर गेटिंग द द थिंग टू कम आउट बिकॉज इज सपोर्ट सिस्टम सिस्टम Is very important and as we discussed it's not just legal it's also vocational you have to teach them to be financially independent you also have to tell them there is someone there to talk if you know the parents are there then that's of course very good but if there is no family then there is an alternate family that is there for more such videos subscribe to the news x youtube channel hit the bell icon